हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और आज से करियर कैप्सूल की टीम में एक नए सर जुड़ रहे हैं जिनका नाम है विवेक कुमार, जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इस वीडियो को एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे देख सकते हैं, साथ ही साथ कॉलेज स्टूडेंट जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं वैसे बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट में एप्टीट्यूड पूछा जाता है। अगर आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो जाता है तो आपका 50% प्लेसमेंट ऐसे ही हो जाता है। तो ये नई सीरीज़, नया वीडियो हमारे चैनल पर आज से शुरू हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो उन्हें बताइए कि करियर कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोगों को एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ और अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ विवेक सर से। हेलो दोस्तों, जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम विवेक है। मैं आप लोग को मैथमेटिक्स सेक्शन पढ़ाऊंगा। हम मैथमेटिक्स में इस तरीके से डील करेंगे जो चीज़ें बैंक, एसएससी, रेलवेज जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक एग्ज़ाम में एक पोर्शन आता है अर्थमेटिक का पोर्शन, जो कि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है। इसके अलावा जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे जैसे एग्ज़ाम हैं उनमें एडवांस मैथ भी आता है। तो हम पूरा मैथ कवर करेंगे। हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक पोर्शन करेंगे और एडवांस का पोर्शन करेंगे। स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक पोर्शन से। तो बेसिकली अर्थमेटिक में है क्या क्या, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ चीज़ों से। जो हमारा अर्थमेटिक पोर्शन है उसमें दो ही चीज़ें मेन हैं, एक है परसेंटेज और नेक्स्ट है रेशियो। अगर ये दो टॉपिक आपके क्लियर हैं तो आप पूरे मैथमेटिक्स को, पूरे अर्थमेटिक वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्यों, होगा क्या, परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में भी रेट्स आएंगी 10%, 20%, 25%, इतना इंक्रीज, इतना डिक्रीज, इस टाइप से। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी परसेंटेज आएगा, 20% प्रॉफिट, 10% लॉस, 20% डिस्काउंट, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी परसेंटेज ही आएगा, 10% से इंटरेस्ट लग रहा है, 12% से इंटरेस्ट लग रहा है, इस तरीके से। तो अगर मुझे परसेंटेज टॉपिक आता है तो मेरे इसके साथ ही चार टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, क्लियर। वैसे अगर मैं रेशियो की बात करूं, ये परसेंटेज और रेशियो जान है पूरे अर्थमेटिक मैथ की। रेशियो की बात करूं, इसके बाद मैं पार्टनरशिप की बात करूं, मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं, मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं, मैं एजेस वाले चैप्टर की बात करूं, ठीक है, मैं मिक्सचर की बात करूं, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर की बात करूं, इस तरीके से जितने भी चैप्टर हैं हमारे पास, जितने भी चैप्टर हैं सब रेशियो पे ही डिपेंड है। हर एक में रेशियो ही लगाएंगे, इवन एवरेज को भी हम रेशियो से शॉर्ट करेंगे। तो हम इसमें डिफरेंट तरह के ट्रिक्स यूज़ करेंगे, सब में परसेंटेज में अलग से, रेशियो वाले चैप्टर में अलग से। अब एक चैप्टर होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बैंकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या आएगा, उसमें परसेंटेज आएगा, रेशियो आएगा, सब यही चीज़ें आनी है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, परसेंटेज और रेशियो चैप्टर पर पूरी एक पकड़ बनानी है अच्छे से, जिससे हमारा पूरा अर्थमेटिक वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर होगा। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, इसमें हम परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज के साथ। पूरे अरिथमेटिक मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर हम इस चीज़ से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हम इस चीज़ से करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कमाउंट इंटरेस्ट में क्या होता है, इतने परसेंटेज रेट होता है हमारे पास, तो वो भी सेम टॉपिक हमारे पास परसेंटेज कॉन्सेप्ट से होता है। तो परसेंटेज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक परसेंटेज। हिंदी में परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, प्रतिशत। बेसिकली एक परसेंटेज का सिंबल देखा होगा आप लोगों ने, कौन सा होता है, ये वाला। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हम इस वर्ड से समझेंगे। बोल रहा है पर और खास बोल रहा है सेंट, हिंदी में बोले तो बोल रहा है प्रति एंड बोल रहा है शत। पर का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम बोले से बोलते हैं पर पीस, पर केजी, पर किलोमीटर। तो पर का मतलब क्या होता है, पर केजी का मतलब क्या हुआ, हर एक किलो। वैसे पर का मतलब क्या होता है, वन, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है सेंट। सेंट से आप समझते हो क्या, सेंट से बोलते हैं सेंचुरी, जैसे रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी लगाई, तो दैट मीन सेंट है क्या, एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बेसिकली सेंचुरी। हिंदी में बोले शत, शत मतलब शतक, जैसे 100 मारते हैं शतक, हिंदी में बोलते हैं शतक, तो इसका मतलब होता है बेसिकली 100। तो जब मैं 1 में से 100 चीज़ निकालता हूँ उसका बोलते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली ये जो सिंबल है परसेंटेज, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है 1/100। अब इस 1/100 से आप क्या समझते हो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ आपको,
कि 1/2 या फिर 3/4, कुछ इस तरीके से कुछ भी। सबसे पहले आप इस चीज़ों से क्या समझते हो तो बताओ। तो इसमें से आपका जवाब होगा कि हम इसमें समझते हैं कि हमें एक हिस्सा चाहिए 2 का, हाफ चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? हाफ। 1/2 होता क्या है? हाफ। हमें हाफ हिस्सा चाहिए। दैट मीन अगर 2 पूरा है उसका हमें हाफ चाहिए, वो होता कितना है? 1। तो इसका मतलब हमें 2 में से एक हिस्सा चाहिए। वैसे 3/4, दैट मीन हमें 3/4 में से 3 पार्ट चाहिए। 1/100, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 1 पार्ट। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ 2/100, आप क्या बोलोगे? अगर 100 मेरे पास पार्ट हैं पूरे, उसमें से मेरे को 2 पार्ट चाहिए। क्लियर? तो ये बेसिकली इस चीज़ का मतलब होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या? 1% इज इक्वल टू 1/100। क्लियर इतनी बात? तो हमारे पास 1% कितना होता है? 1/100। अब इसी 100 को मैं अगर इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर ले जाऊँ, तो कितना हो जाएगा? 100%। और ये किसके बराबर आएगा? 1। तो जब हमने 1% की बात करी तो वो 1/100 आया। जब हमने 100% की बात करी तो वो 1 आया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं आपको एक मार्कर दिखा रहा हूँ, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, इनको रख देता हूँ। ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है? तो ये मेरे पास मार्कर जब हुआ तो ये हुआ 1 यूनिट। अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूँ तो ये हुआ 100%। अगर मैं इसको यूनिट्स में बोलूँ, डिजिट्स में बोलूँ, तो ये कितना हुआ? 1 यूनिट। अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूँ तो बोला कि 100%। अब मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूँ तो मेरे पास 2 हिस्से हो गए। अब ये 100% था, कैसे कैसे बट गया? 50-50%। दो मैंने बराबर हिस्से कर दिया तो बट कैसे गया? 50-50%। सिमिलरली अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसके 2 हिस्से कर रहा हूँ, तो मैं 100% को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ। दैट मीन मैं 50% कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं इस 1 को भी क्या करूँगा? अगर मैंने इसको 100% को 2 से डिवाइड किया, इस 1 को भी क्या करूँगा? 2 से डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास 50% कितना हो रहा है? 1/2। क्लियर? अभी इस बार करके मैं अगर 3 हिस्से कर दूँ, 4 हिस्से कर दूँ, मान लो 4 हिस्से कर दूँ, तो मैं 100% को 4 हिस्सों में तोड़ दूँगा, 100% को 4 हिस्सों में तोड़ दूँगा, तो कितना आएगा? 25%। अगर मैंने इक्वल टू के एक साइड में 4 से डिवाइड किया तो इन सेकेंड साइड में भी करना पड़ेगा, तो ये 25% किसके बराबर आ रहा है मेरे पास? 1/4। सो यहाँ से आप बातें क्या सीख रहे हो कि 4 में से जब एक हिस्सा निकाला तो मैं बोलूँगा मुझे 1/4 पार्ट मिल गया। पार्ट में बोला तो 1/4, अगर परसेंटेज में बोलें तो बोलेंगे 25%। वैसे ही अगर 2 में से मैंने 1 पार्ट निकाला तो हम क्या बोलेंगे? हमें हाफ पार्ट मिल गया, दैट मीन 50% मिल गया। और जब वो पूरा था तब वो था कितना? तब वो था 1। यूनिट में 1 था और परसेंटेज में कितना था? 100%। तो परसेंटेज में बेसिकली है क्या? पूरी कन्वर्जन है। कन्वर्जन किस तरीके से होगी? तो या तो हम परसेंटेज को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर परसेंटेज को किसमें, या तो फ्रैक्शन होगा या नंबर होगा, या तो कोई कोई फ्रैक्शन बनेगा, मतलब इस तरीके से वटे की फॉर्म बनेगी या कोई डिजिट बनेगी। और सिमिलरली अगर उल्टा करें तो हमने 1/2 को क्या बोला? 50%। तो हम कन्वर्ट करेंगे एक फ्रैक्शन से परसेंटेज में। तो दो दो चीज़ें हम यहाँ से रिजल्ट के तौर पर निकालेंगे, हम यहाँ पर साइड में लिखते चलेंगे, आप लोगों ने नोट कर लेना है। तो पहली बात क्या बोली कि परसेंटेज जो ये सिंबल है इसका मीनिंग ही क्या है? इसका मीनिंग ही है 1/100, फर्स्ट चीज़। सेकेंड, हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे? या तो किसी नंबर या फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, या फिर किसी परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे किसी नंबर या फ्रैक्शन में। क्लियर? अब देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। एक सिंपल सी बात पढ़ी हमने कि 1% कितना आया जी? 1/100। तो अगर इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ इसको 2% करना है तो आप क्या करोगे? इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, 1% कितना हमारे पास आ रहा है? 1% कितना आ रहा है हमारे पास? 1/100। इस 100 को मैं इधर ले आऊँ तो 100% मेरे पास कितना आ रहा है? 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 = 100%, तो 2 = किसके हो जाएगा? 200%। इस तरीके से 3 = किसके हो जाएगा? 300%। इसी तरीके से तो हो क्या रहा है? ये 1 100% कैसे बन रहा है? अगर मैं इस 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा? 100%। वैसे अगर मैं 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बन जाएगा? 200%। 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बन जाएगा? 300%। तो हम क्या सीख रहे हैं? किसी भी नंबर को, सिमिलरली मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ जिसमें 1/2 लेता हूँ, हमने देखा ही कितना आया था? 50%। कैसे आया था? हमने बोला 100% होता है 1, तो हमारे पास 50% कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 50% कितना आया? 1/2। या मैं ऐसे बोलूँ, 1/2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ रहा है? 50%। तो आप देख रहे हो किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हर केस में हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली
अगर मान लो मेरे पास ऐसा परसेंटेज है कोई 20%, तो कैसे करोगे? 20 परसेंटेज का सिंबल, ये परसेंटेज सिंबल है, इसका मीनिंग ही क्या है? 1/100. तो आप हर केस में 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 1/5. जैसे 100% था, आपने क्या किया? 100 लिखा. इस परसेंटेज का मीनिंग ही कितना है? 1/100. जब इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास? 1. तो आप देख रहे हो, जब भी हम किसी परसेंटेज वाली टर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, या तो फ्रैक्शन में या नंबर में, तो कर कैसे रहे हैं? उस परसेंटेज की जगह 1/100 लिख रहे हैं. तो बेसिकली हमें करना क्या है, जब भी परसेंटेज को कन्वर्ट करना है नंबर या फ्रैक्शन में, हर बार 1/100 करना है. क्लियर इतना? तो ये बेसिक सी बातें हैं तीन जो मैंने आपको बताई. अब हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जन फास्ट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो हमें देखो एग्ज़ाम में होता क्या है, 10%, 20%, 30%, 15%, 12.5%, 6.5%, ये कुछ ऐसी रेट्स हैं जो कि मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है. तो अगर हमें बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 5162/3%, उसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, इसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े. इसलिए हम जो हमारे पास सिंपल सिंपल चीज़ें होंगी, जैसे मान लो 16 2/3%, इनको सीखने में हम अपना टाइम लगा देंगे ज़्यादा ज़्यादा, ताकि हम इन चीज़ों को बाद में ईजिली कर पाएँ. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूँ 1, सबसे पहले 1 कितना परसेंटेज होगा? तो आपने बोला कि कभी भी हमें इसी नंबर या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हर बार क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई. तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 100%. वैसे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई. 2 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 से 100 कटा 50%. सिमिलरली 1/3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100/3%. अब देखो 100/3% कभी नहीं होता, क्योंकि 100 से 3 किसी हद तक तो काटता है. तो काटते हैं इसको, 3 से 10 को भाग दिया, 3 × 3 = 9, 1 बचा 10, 3 × 3 = 9, रिमाइंडर बचता है 3, और डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसको इक्वल टू कितना होता है? 33 1/3%. या तो हमें इस तरीके से फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज को देखना है, या फिर हमें इस चीज़ को देखना है डेसिमल में. तो 33 1/3 को ऑब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जीरो लगेगी तो डेसिमल लग जाएगा, 3 × 3 = 9, 1 बचा 3 × 3 = 9, सो ये 3 3 3 हर बार आएगा. तो हम इसको 2 डिजिट तक लेते हैं तो कितना आता है? 33.33%. एक और बात समझना, मैं लिख रहा हूँ 33 1/3, या मैं लिख रहा हूँ 33 + 1/3, दोनों इक्वल होते हैं. कैसे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस 33 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 99 + 1, दैट मीन 100/3 = इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? एलसीएम लेंगे 3, 1 से 3 को डिवाइड किया 3, 3 × 33 99 + 1, ये भी कितना आता है? 100/3. तो अगर हमारे पास कोई चीज़ इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में आती है, दैट मीन इसके बीच में प्लस होता है. क्लियर? तो 33 1/3 का मतलब क्या है? 33 + 1/3. क्लियर? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट फोर्थ, कि अगर 33 1/3 लिख रहा हूँ, ये इक्वल टू 33 + 1/3 के इक्वल होगा. क्लियर इतना? नेक्स्ट आते हैं, मैं 1/4 को कन्वर्ट करता हूँ, क्या करेंगे? इनटू 100, 4 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 25%. मैं 1/5 को कन्वर्ट करता हूँ, क्या करेंगे? इनटू 100, 5 से 20 टाइम जाएगा, कितना आएगा? 20%. 1/6 को कन्वर्ट करते हैं, क्या करेंगे? इनटू 100, 100/6 आएगा, इसको काटते हैं अगर 2 से तो कितना आएगा? 50/3. अब ये और सॉल्व होता है तो और सॉल्व करते हैं, तो 16 × कितना आएगा? 16 2/3, 16 × 3 = 48, और 2 50/3. तो हमारे पास 1/6 आ कितना रहा है? बेसिकली 16 2/3%, कितना आ रहा है? 16 2/3%. या फिर अगर मैं डेसिमल में बोलूँ तो 16 तो कंप्लीट है, 2/3 और है, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 2 3 से डिवाइड नहीं होता है तो जीरो लगेगा, अगर जीरो लगेगा तो डेसिमल लगेगा. अब 3 से 20 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 3 × 6 = 18, 2 50 = 20, बना 3 6 = 18, अप्रॉक्सीमेटली 2 डिजिट तक लेंगे तो 16.66%. नेक्स्ट 1/7, इंटू 100 करेंगे तो 100/7% आएगा. 100 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर पाते, तो जहाँ तक डिवाइड होता है दैट इज 98, 14 × 7 = 98, तो हमारे पास कितना आएगा? 14 2/7, 18 98 तक पूरा हो गया, 2 रिमाइंडर बचा उसे ऊपर लिखा तो आया 14 2/7. अगर डेसिमल में लिखें तो 14, ये 20 बनेगा, 7 × 2 = 14 660, 7 × 8 = 56, तो अप्रॉक्सीमेटली 14.28. नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं लिखूं 1/8, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/8 आएगा, 4 से अगर काटे तो ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 2, 25/2% आएगा, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25/2 होता है 12.5, या फिर 12 1/2%, या फिर 12.5%. क्लियर?
नेक्स्ट मैं 1/9 की बात करूँ तो लिखोगे आप 1/9 × 100, डेट इज 100/9। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 × 9 = 99, तो 11 1/9%। इस परसेंट, इस 11 को मैं ऐसे लिखूँ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, तो 11.11%। सिमिलरली मैं 1/10 लिखूँ इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 10%। सो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस चीज़ को तब तक खुद से, इस टेबल को तब तक खुद से बनाना है जब तक आपको ये चीज़ें आपके माइंड में ना बस जाएँ, याद नहीं करना है, माइंड में बसाना है। नेक्स्ट 1/11 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 100/11, 11 × 9 99 होता है, तो 9 कितना बचा, 9 एक बचा, तो कितना है 9 1/11%। इसी को मैं अगर और लिखूं तो 9, ये 1 नहीं कटता तो 0 लगेगा, 0 लगेगा तो डेसिमल लगेगा, 10 भी नहीं कटता तो एक और 0 लगेगा तो 100 बनेगा, तो एक और 0 लग गया और 11 × 9 99 अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 9.09%। वैसे 1/12 करेंगे तो 1/12 × 100 तो कितना आएगा, 4 से काटते हैं तो ऊपर 25 नीचे 3, 25/3%, मतलब 3 × 8 = 24, 8 1/3%, 8 और 1/3 कितना होता है हमारे पास, 0.33%। 1/13 की बात करें तो 1/13 × 100, 13 × 7 = 91, तो 7 रिमाइंडर बचा 9, 7 9/13%। 1/14 की बात करें, 200 करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कटेगा ऊपर 50 आएगा नीचे 7 आएगा, 50/7%। सो बेसिकली 7 × 7 = 49, 7 1/7%। 1/15 देखते हैं, 200 करेंगे, 105 से कटेगा तो 20 आएगा, 15/5 से कटेगा तो 3 आएगा, तो 20/3%, दैट मीन 6 सही 2/3%, या फिर 6.66%। क्लियर, तो एक 1/16 लिख लेते हैं, 1/16 करेंगे, 200 करेंगे, 4 से कटेगा नीचे 4 आएगा, 25 आएगा, 25/4, दैट मीन्स 4 × 6 = 24, 6 1/4 और इक्वल टू 6.25%। वैसे ही मैं 1/20 बोलो, आप 200 करोगे कितना आएगा, 1/5%। 1/50 बोलो, 200 करेगा कितना आएगा, 2%। तो बेसिकली ये कुछ परसेंटेज ऐसी हैं, अगर आपकी ये चुटकियों पर है, उंगलियों पर है, तो आप पूरी परसेंटेज के साथ खेल सकते हो। वो हम भी देखेंगे, अभी आप सब लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या इस चीज़ को नोट कर लोगे अपने हिसाब से। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए हटता हूँ एक बार। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम कन्वर्जन सीखते हैं थोड़ा सा, तो मैं इसको मिटाकर आपको यहीं पर कन्वर्ट करवाना सिखा रहा हूँ। देखो करना क्या है हमें, या तो हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बोलता हूँ 20%, क्या बोलोगे आप, कितना आएगा 20, परसेंटेज की जगह 1/100 लिखोगे, 20 से कटेगा तो कितना आएगा, 1/5, 20 इस परसेंटेज को हटा के हम क्या लिखेंगे, 1/100 कितना आएगा, 1/5। क्लियर, वैसे मैं आपको बोलता हूँ 1/5, इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो आप क्या बोलोगे कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20%। क्लियर, अब मैं नेक्स्ट बोलता हूँ आपको कि मुझे बताओ 4/5, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे को बताओ 4/5 कितना परसेंटेज होगा, 4/5 कितना परसेंटेज होगा। वही करने का तरीका कि मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 80%। या फिर एक और अप्रोच जो कि हमें अपनानी चाहिए कि मुझे 1/5 बार बार प्रैक्टिस करने पे याद हो जाएगा कि 1/5 कितना होता है, 20%, 1/5 कितना होता है, 20%, चाहिए कितना, 4/5, तो 1 को क्या 1/5 ना करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इधर से 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4/5 आएगा कितना, 80%। क्लियर, वैसे ही मैं आपको बोलूँ कि 80% को कन्वर्ट करो कितना होता है, 80% इसको कन्वर्ट करो कितना होता है, तो आप बोलोगे मुझे 20% पता है, 1/5 होता है, तो मैं इसको 5 से, मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, मुझे 20% पता है कितना होता है, मुझे 20% पता है 1/5 होता है, मुझे 80% चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, 80% कितना आ जाएगा, 4/5, या ऐसा ना करके सिंपल मुझे पता है परसेंटेज का मतलब ही कितना होता है 1/100, तो ये 20 से कटेगा तो कितना आएगा, 4/5। क्लियर है, वैसे ही मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताइए 3/8 कितना परसेंटेज आएगा, मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताइए 37.5 कितना परसेंटेज आएगा। क्लियर,
तो आप बुझ लगे मुझे 3/8 चाहिए। या तो एक तरीका तो क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100 करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100 करते हैं, या फिर मैं क्या बोलूँ 1/8। मुझे पता है कि 1/8 होता है 12.5%, 1/8 होता है 12.5%, 1/8 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 3/8। 1/8 मुझे पता है कितना होता है 12.5%, मुझे 1/8 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 3/8। तो मैं क्या करूँगा दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 12 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 36, 5 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 1.5, 5 या 15, तो आंसर कितना आएगा 37.5%, कितना आएगा 37.5%। वैसे ही मैं आपको बोलता हूँ कि भी बताओ 37.5% फ्रैक्शन में कितना आएगा, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो आप कैसे बोल सकते हो, अब 37 दिख रहा है तो 25% प्लस 12.5% ऐसे बोल सकते हो, 25% और 12.5% कितना होगा 37.5%, और 25% कितना होता है 1/4, और 12.5% कितना होता है तो आपको पता होगा 1/8। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 4 से 8 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 8 से 8 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/8। तो मेरा कहने का मतलब क्या है इन सभी बातों से, कि जब हमें ये कुछ बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शंस याद होंगी, याद कैसे होंगी, बार बार प्रैक्टिस करने से याद होंगी, तो हमारा क्वेश्चन आधा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। एक दो क्लासेस हम सिर्फ परसेंटेज को समझने में लगाएंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने में लगाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अगर ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व कराएंगे। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं अपनी चीज़ को, कि मुझे बताओ 4/7 कितना परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज होगा 4/7, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4/7 कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे 1/7 पता है कितना होता है, आप क्या बोलोगे मुझे 1/7 पता है कितना होता है, कितना होता है 14.2/7%। कहिए चाहिए क्या 4/7, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। अब एक बात मैंने आपको और बताई है कि 14.2/7 का ही मतलब क्या है, 14+2/7, और ये पूरा का पूरा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ये 14 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन आएगा कितना 56 प्लस 4 × 2 कितना आएगा 8/7। 8/7 को मैं अगर और छोटा कर लूँ तो कितना आएगा 1 से 1/7, 7 × 7 = 8/7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 से 1/7, और इसका मतलब बीच में प्लस है तो 56 × 1 कितना आएगा 57.1/7%। तो ये चीज़ हमें इतना नहीं करना है, समझाने के लिए मैं खोल रहा हूँ चीज़ों को, आपको माइंड में करना है, क्लियर। वैसे मैं बोलता हूँ आपको कि मुझे बताइए सिंपल सा 9/10 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/10 होता है 10%, 9/10 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 90%, क्लियर। मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताइए 10/11 कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे पता है 1/11 कितना होता है, 1/11 कितना होता है 9.09, या फिर 9/11%। मुझे 10/11 चाहिए तो मुझे यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 90, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10/11%, क्लियर। अभी हम लोगों को मैं पूछता हूँ नेक्स्ट चीज़ कि मुझे बताइए 11/7 कितना परसेंटेज होगा, क्या तरीके बताए। पहला ये कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, मैं 100 से करूँगा तो क्या आएगा 1100/7%, उसको सॉल्व करूँगा एक आंसर आएगा। सेकंड, मैं से बोलूँ कि 1/7 कितना होता है 14.28, फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 14 से 11 को मल्टीप्लाई करना भी अच्छा बात नहीं होगी, तो इसको कैसे करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन एक बड़ी फ्रैक्शन है, तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, क्या आएगा 7 × 7 4 बचा 1 से 4/7, और इसका मतलब क्या है कि बीच में प्लस है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 कितना आएगा हमारे पास 100%, और 4/7 मैंने आपको अभी बताया, 4/7 मैंने आपको अभी बताया कितना होता है 57.1/7%। मान लो नहीं आता, मैंने आपको बताया भी नहीं होता, तो क्या करते आप, अब आप बोल सकते थे कि 1/7 कितना होता है, आप बोलते हैं 14 × 2/7, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 14 × 4 = 56 और 4 × 2 = 8, 56 से 8/7, 8/7 क्या होता है 1 से 1/7, तो 56 × 1 = 57 = 1/7, तो इसके बराबर होगा 57.1/7, और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 151/7%, तो 11/7 कितना आया 157/7%। जितनी भी बातें पढ़ी हमने, अब उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से नोट करना है, क्योंकि इसी के बेस पर परसेंटेज बसी है। मैं आपको बोलता हूँ कि 1 का 100% निकालो, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1
काम इन मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालो। क्या बोलोगे आप? 1 × 100 परसेंटेज मीन 1/100 कितना आएगा? 1। मैंने आपको बोला 1 का 100% बताओ तो कितना आया? 1। मैं आपको बोलूँ 2 का 50% निकालो, 2 का मतलब मल्टीप्लाई 50% परसेंटेज का मतलब 1/100 कितना आया? 2 से 2 कटा कितना आया? 1। तो 1/2 का 50% कितना आया? 1। वैसे मैं आपको बोलूँ 3 का 33 1/3% निकालो तो आएगा 1। मैं आपको बोलूँ 7 का 14 2/7% निकालो तो आएगा 1। मैं आपको बोलूँ 7 का 57 1/3% निकालो तो आएगा 4। मैं आपको बोलूँ 15 का 6 2/3% निकालो तो कितना आएगा? 1। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि क्या किसी भी मान लो 25% किसी भी परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? एक फ्रैक्शन आता है। एक फ्रैक्शन में जो नीचे वाला टर्म होता है, जो हमारे पास ये वाला टर्म होता है, इसका इतना प्रतिशत हमेशा इतना होता है। 4 का 25% क्या होगा? 1। तो जो नीचे वाला नंबर होगा इसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल नंबर। क्या बोलेंगे? ओरिजिनल नंबर। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो हमारे पास, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मेरे पास मार्कर की संख्या, मान लो मेरे पास मार्कर की संख्या 25% इंक्रीज कर गई, मेरे पास मार्कर की संख्या 25% इंक्रीज कर गई, तो मैं क्या बोलूँगा? अब मेरे को नहीं पता कितने मार्कर हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ 5, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ मार्कर हैं वो 25% इंक्रीज कर गए, तो 25% इंक्रीज करके मुझे पता है 4 का 25% कितना होता है? 1। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मेरे पास 4 मार्कर थे तो वो 25% इंक्रीज कर गए, दैट मीन 1 इंक्रीज कर गए और हो कितने गए? 5। क्लियर? तो ओरिजिनल नंबर इसको मानेंगे हम, ओरिजिनल वैल्यू इसको मानेंगे हम, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि मेरा ओरिजिनल नंबर इसको बोलेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इसको बोलेंगे। मैं मान लो बोल रहा हूँ कि मेरे क्लास में 25% स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई, मेरे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं कुछ, 25% इनकी क्या होगी? नंबर इंक्रीज हो गए, दैट मीन हो क्या गया? 25% होता है 1/4। तो मैं बोलूँगा कि मान लो अगर मेरे पास 4 स्टूडेंट थे तो वो 25% इंक्रीज कर गए, दैट मीन वो 1 इंक्रीज कर गए और हो कितने गए? 5। और हो कितने गए? 5। तो ये जो 1 होता है ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट किस तरीके से? इस परसेंटेज का इफेक्ट रिजल्ट। तो कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी हम एक परसेंटेज, जैसे मान लो 20% कितना आता है? 1/5। एक परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं, या तो एक नंबर आएगा, 100% के केस में क्या आएगा? एक नंबर आएगा या एक फ्रैक्शन आएगी, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, उसके डिवाइड में 1। तो हमेशा नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला आता है, हमेशा नीचे वाले का इतना परसेंट क्या आता है? ऊपर वाला आता है। इसको अगर मैं ओरिजिनल नंबर बोलूँ तो ये क्या होगा? इस पर नेट इफेक्ट या इसका रिजल्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी है। मैंने बोला 4/7 होता है 51/7% या 57 1/7% होता है 4/7, डेट मीन 7 का इतना परसेंटेज कितना देगा हमें रिजल्ट? 4। उसके बाद हम यूनिटरी मेथड से इस चीज़ को कंपेयर कर लेंगे, यही चीज़ हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में चलेगी। मैं आपको बोलता हूँ मेरे 20% का प्रॉफिट हो गया, मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट होता किस पे है? क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने कोई चीज़ खरीदी होगी उसको मैं बढ़ाकर बेचूंगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस होगा और एक सेलिंग प्राइस होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो अगर मुझे मानना ही है 5 तो मैं मानूंगा कॉस्ट प्राइस। मैं बोलूँगा अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 5 था तो उसको मैंने 20% प्रॉफिट में बेच दिया, दैट मीन मैंने उसको 1 रुपये के प्रॉफिट में बेच दिया, 5 रुपये में चीज़ खरीद के 1 रुपये फ़ायदे में बेच दी, मतलब बेची कितने में? 6 में। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 5 होगा, सेलिंग प्राइस मेरा 6 होगा। हमें जो चीज़ दे रखी होगी उसको कंपेयर करके हम दूसरी बता सकते हैं, कंपेयर करेंगे यूनिटरी मेथड से। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? 20% इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट मिलता किस पर है? प्रिंसिपल पे। उस केस में मैं बोलूँगा अगर मेरा 5 प्रिंसिपल है तो मुझे 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट मीन मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1। तो मेरा अमाउंट कितना हो रहा है? 6। तो ये चीज़ें परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता क्या होना चाहिए? ये कुछ बेसिक सी वैल्यू पता होनी चाहिए। कल हम क्या करेंगे? इन्हीं चीज़ पर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बड़ी से बड़ी लार्ज परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। और आप लोगों को अच्छे से अटेंड करना है सेशन, सबसे पहले इस चीज़ को नोट करना है और ये वाला टेबल अपनी नोटबुक पर सभी ने बार बार बनाना है। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू। सर रोकना सर, बहुत है।